हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.2 का सलूशन देखने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंतर्गत हम सीखेंगे कि द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियाँ हैं तथा द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 को समझने से पहले हम समझेंगे कि द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं, यानी कि आपको अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे तो उसको आप कितने तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 10th लेवल पे जनरली 3 मेथड ही यूज होता है। इसका एक और मेथड है, 4 मेथड टोटल होते हैं, लेकिन 10th लेवल में आपको यही 3 विधियां यूज करना है। पहला है बाई फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। आप गुणनखंड करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और आपको याद ही होगा पहले पिछले वीडियो में बताया गया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके का है तो पहला मेथड होता है कि आप उसको गुणनखंड द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग बना के भी आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एंड थर्ड मेथड है बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी द्विघातीय सूत्र द्वारा। किसके द्वारा? द्विघातीय सूत्र द्वारा। तो कुल मिला के 3 मेथड है आपको किसी समीकरण को हल करने के, किन से समीकरण को, द्विघात समीकरण को। और फिर क्वेश्चन में आता है मूल, कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल का क्या मतलब हम ये समझ लेंगे। मान लीजिए आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और कह दे कि इसका मूल ज्ञात करिए। तो मूल का मतलब होता है x का वह मान जो रखने पर इस साइड में अगर हम रखें तो इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो जाना चाहिए, 0 प्राप्त हो जाना चाहिए। x का वह मान अगर इसमें हम रखें तो क्या आ जाना चाहिए, 0। तो हम मूल हो गया। अगर हम बात करें 7x प्लस 4 का मूल क्या होगा, यानी सिर्फ हम ऐसे भी लिख दें, अगर x प्लस 4 का मूल पूछे क्या होगा, ये आपका लीनियर एक क्वाड्रेटिक नहीं है, ये द्विघातीय नहीं है, ये एक पावर है तो रैखिक समीकरण है। तो इसका अगर मूल की हम बात करें तो x की वैल्यू अगर -4 आप रख देंगे तो ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वही क्वाड्रेटिक में भी लागू होता है। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि किसी भी, जो भी अगर कोई इक्वेशन हो, कोई भी समीकरण, उस पे x के जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसका उतना मूल होता है। हिंदी में उसको इंग्लिश में रूट बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, ठीक है, इसको भी समझ लेंगे। तो ये भी याद रखेंगे कि किसी भी इक्वेशन का जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उस इक्वेशन में उतने रूट होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो एक्सरसाइज सॉल्व होगा वो बाई फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि गुणनखंड द्वारा। तो सीखेंगे कि गुणनखंड द्वारा कैसे मूल ज्ञात करते हैं किसी द्विघात समीकरण का। तो अब हम सीधे चलेंगे एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो इसका फैक्टर करके आपको क्या निकालना है, मूल निकालना है। मूल का मतलब समझ आ गया होगा। तो देखेंगे एक एक करके। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसका फैक्टर करना है। तो फैक्टर का रूल होता है कि इसके मिडिल पार्ट को हम दो भागों में ब्रेक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि x स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है उसका हम लास्ट टर्म यानी कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर का भी कोफिशियंट नहीं है, लेकिन किसी भी वेरिएबल का कोफिशियंट हमेशा 1 होता है। तो इसका जब कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10। अब इसी 10 की सहायता से इसके मिडिल पार्ट को दो भागों में डिवाइड करना होता है। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो आपको 3x को ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए और माइनस करें तो 3x आ जाए। तो इसका फैक्टर आप जान रहे हैं कि क्या होता है, 5 × 2 होता है। 10 का फैक्टर क्या होता है, 5 × 2। तो अगर हम क्या कर दें, 5 × 2 करें तो 10 हो जाएगा और 5 में से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे तो 3। इस साइन आपको ध्यान देना, अगर यहाँ पे प्लस होता तो ऐड करने पे 3 लाना होता, लेकिन यहाँ पे माइनस, इसलिए सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आना है और मल्टीप्लाई करने पे 10। इसका जरूरत जो होता है सिर्फ इसके मिडिल पार्ट को दो भागों में ब्रेक करने के लिए होता है। तो हम क्या फैक्टर पा गए इसका, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10, 5 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। अर्थात यहाँ पे इंप्लाइड लगाते रहेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह पे हम लिख सकते हैं 5 माइनस 3 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये जरूर नोट करते रहेंगे साइड में,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर आप देख सकते हैं कि 5 में से, सॉरी यहाँ पे 2 है, 5 और 2 आया था ना, तो 5 में से 2 को सबट्रैक्ट करने पे फिर वही टर्म आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 5 का एक्स मल्टीप्लाई करेंगे 5x, माइनस का माइनस में करेंगे ये हो जाएगा प्लस, 2 का एक्स में करेंगे 2x, और -10 = क्या है, 0, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स हो गए, इन दो टर्म को एक साथ और इन दो टर्म को एक साथ कर लेंगे। दोनों में आप देखेंगे कॉमन, कॉमन मतलब दोनों ऐसा है कि आपको टर्म फाइंड करना दोनों में डिवाइड हो पाए, तो ये एक्स स्क्वायर है 5x है, यहाँ पे एक्स कॉमन हो जाएगा, ठीक है। एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ पे एक्स बचेगा, कॉमन का मतलब आपको बता जा चुका है कि डिवाइड होता है, तो ऐसे जब 5x में एक्स डिवाइड करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इन दोनों में देखेंगे ऐसा क्या कॉमन है, तो दोनों में 2 कॉमन है यहाँ पे, तो 2x है तो यहाँ पे एक्स बचेगा, और 2 5 10 = 0। और फैक्टर का रूल होता है कि लास्ट में ये जो दोनों पार्ट आने चाहिए कॉमन आने चाहिए, अगर कॉमन नहीं आए तो समझ जाइए कि फैक्टर आप गलत सॉल्व किए हैं। अब क्या कॉमन करेंगे, x-5, तो x-5 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका x और यहाँ पे बचेगा +2 = 0, ये आपके दो टर्म प्राप्त हुए। अब क्या करते हैं, एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल करते हैं, एक बार सेकेंड वाले पार्ट को 0 के इक्वल करते हैं। मैं यहाँ पे आपको साम लगा दे रहा हूँ, लिखेंगे इसको एक बार, लिखेंगे यदि x-5 = 0, एक बार x-5 को 0 के इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखते हैं तो माइनस से ट्रांसफर करेंगे, x की वैल्यू क्या आ गया, 5, एक वैल्यू आपको आ गया 5। और पुनः लिखेंगे, पुनः यदि क्या है x+2 = 0, तो नीचे लिखेंगे कॉमा करके, तो x प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, देयरफोर आपको x की दो वैल्यू मिला, एक 5 और एक -2, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो मूल आ गए वो एक 5 है और एक क्या है, -2 है। यही मेथड होता है, इसे हम बोलते हैं गुणनखंड विधि से। अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट। अब ये सेकेंड पार्ट आपका है 2x² + x - 6 = 0। तो एज यूजल हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है उसको कॉन्स्टेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का 6 में मल्टीप्लाई किए तो आपको क्या मिल गया, 12। अब सेम 12 को सेटअप के लिए दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है 12 का फैक्टर की सहायता से, कि यहाँ पे माइनस है और एक्स के पास कोई भी कोफिशिएंट नहीं है लेकिन क्या है, 1 है, यानी कि इसको 12 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड कर देना है, ब्रेक कर देना है, कि मल्टीप्लाई करें तो 12 और सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आना चाहिए, 1। तो 12 का फैक्टर हम जानते हैं 4 * क्या होता है, 3, 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 4 में से 3 को सबट्रैक्ट करेंगे तो 1, यानी कि मिडिल पार्ट की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 - 3, हमारा फैक्टर मिल गया। तो 2x² + यहाँ पे लिख सकते हैं 4 - 3x और -6 = 0। अब 4 में से 3 को सबट्रैक्ट करेंगे 1, यानी x फिर से आपका आ जाएगा, तो इसे लिखेंगे 2x² + 4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x, -3 का एक्स में करेंगे 3x और -6 = 0। तो यहाँ भी टोटल 4 पार्ट बन गया, इन दोनों में कुछ कॉमन होगा और इन दोनों में एक कोई टर्म कॉमन होगा। तो देखिए पहले अगर डिजिट में देखें, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 4 है, तो दोनों में 2 से डिवाइड हो सकता है, यानी दोनों में 2 कॉमन हो गया, यहाँ पे x² यहाँ पे x, यानी 2x ओवरऑल कॉमन हो जाएगा। तो 2x² से ऐसे आप जब 2x से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, x² का मतलब होता है x * x, तो एक एक्स से एक्स, एक ही एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स, यानी यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया आपका, सिर्फ यहाँ पे एक्स बच गया, ठीक है, तो ये आप इरेज कर देंगे। तो और फिर 2x से 4x में डिवाइड करेंगे, 2 * 4, एक्स से एक्स कैंसिल, 2 * 4, यहाँ पे दोनों में देखिए 3x + 6 है, यानी क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 3, तो 3x में 3 कॉमन किए तो बचेगा एक्स, और चूंकि माइनस है और माइनस है तो ये हो जाएगा +3 * 6। देखिए यहाँ भी दोनों क्या आ गया, सेम, तो ये पार्ट आपके क्या आने चाहिए, सेम। अब दोनों में x+2 जब कॉमन करोगे तो x+2 कॉमन होगा, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा -3 = 0। अब एज यूजुअल एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल करेंगे, एक बार सेकेंड पार्ट को 0 के इक्वल इस साइड में देख लेंगे, लिखेंगे यदि, लिखेंगे x+2 = 0, तो x = -2, यानी इस समीकरण का पहला जो मूल आ गया वो -2, एंड फिर से लिखेंगे यदि 2x-3 = 0, सेकेंड पार्ट को भी तो 0 के इक्वल हम लेंगे, तो
यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस ट्रांसफर हो गया उधर 3 हो गया, दिस इंप्लाइड ये 2 इंटू एक्स है तो ये हो जाएगा आपका डिवाइड 3 बाई 2, यानी कि दूसरा मूल आपका आ गया 3 बाई 2। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दें। थर्ड वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें रूट वाले टर्म दे दें। एग्जाम में ऐसे कंफ्यूजन के लिए आपको क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सिंपल सा लॉजिक है इसमें, हर एक क्वेश्चन की तरह यहाँ भी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5√2। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे देखेंगे तो √2 है और कॉन्स्टेंट टर्म यानी अचर पद आपका यहाँ पे 5√2 है। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे रूट से रूट समाप्त और 5 2 10, यानी कि √2 का 5√2। जब कभी भी सेम रूट में एक ही टर्म होता है और दो होता है तो मल्टीप्लाई करने पे रूट क्या हो जाता है, समाप्त। जैसे √2 का √2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, √3 का 3 में करेंगे तो सिर्फ 3 हो जाएगा। तो वैसे 5 2 10। अब यहाँ पे 10 की सहायता से इसके मिडिल पार्ट को दो ऐसे भाग में ब्रेक करना है कि अब देखिए यहाँ पे प्लस आ गया है, क्या आ गया है प्लस। तो प्लस आ गया तो 10 को दो ऐसे भागों में ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए और चूंकि प्लस है तो प्लस करने पे 7। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 क्या हो जाएगा 10, और 5 में आप 2 को ऐड कर देंगे तो 5 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी इसके मिडिल टर्म की जगह पे हम लिख सकते हैं 5 + 2x। 10 का प्रयोग सिर्फ हम इसके मिडिल पार्ट को ब्रेक करने के लिए करते हैं, उसका यूज नहीं होता है, बस मिडिल पार्ट को हम क्या सेट करें कि हो जाए, ठीक है। तो ऐसे सेटअप आपका हो गया और लास्ट आपका है 5√2 = 0, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 5 2 7x फिर वही आ जाना चाहिए। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, √2x² + 5 का x में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 5x एंड 2 का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x + 5√2 = 0। तो यहाँ पे टोटल 4 टर्म हो गए, तो दो दो टर्म में कोई ना कोई कॉमन होगा। यहाँ पे सिंपली देखेंगे इन दोनों टर्म में डिजिट में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे √2 और यहाँ पे 5 है, यानी कि वेरिएबल x² सिर्फ x कॉमन है। तो बचेगा √2 आपका x बच जाएगा यहाँ पे और प्लस x कॉमन हो गया तो बच गया 5। एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे, 2x है और 5√2 है, अभी डिजिट में भी आपको कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन साइड में आप लिख लेंगे बिकॉज हम जानते हैं 2 के जगह पे लिख सकते हैं √2 × √2। अभी मैंने बताया कि अगर रूट में सेम टर्म है तो उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट समाप्त हो जाता है, यानी कि अभी कुछ टाइम के लिए 2 को हम समझ लें कि √2 × √2 है, यहाँ भी √2 है, यानी कि इन दोनों में हम √2 क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो दो नहीं बल्कि ये √2 √2 समझना है। तो यहाँ पे हम क्या बचा देंगे, √2x और एक √2 निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा 5 = 0। यहाँ भी देखिए दोनों टर्म क्या आ गया, सेम आ गया। तो अब हम कॉमन कर लेंगे √2x + 5, ये जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आपका बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा आपका √2 = 0। एज यूजुअल एक बार फर्स्ट टर्म को 0 के इक्वल लेंगे, एक बार सेकेंड टर्म के 0 के इक्वल लेंगे। तो फिर यहाँ पे लिख देंगे, हम लिखेंगे यदि पहला टर्म क्या है √2x + 5 = 0, फर्स्ट टर्म को 0 के इक्वल हम ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो पहली के ठीक नीचे √2x प्लस से ट्रांसफर हो जाएगा, ये हो जाएगा -5, दिस इंप्लाइज x = -5/a होता है तो हो जाता है डिवाइड 2। तो ये आपका आ गया फर्स्ट रूट। एंड लिखेंगे फिर सेकेंड वाले पार्ट को, हम क्या करेंगे 0 के इक्वल लेंगे, ये है आपका x + √2 = 0। तो यहाँ पे सिंपली प्लस से ट्रांसफर कर देंगे, हो जाएगा -√2। तो लास्ट में लिख सकते हैं, अतः x की दो वैल्यूज आपके मिल गए, एक -5/√2 या और दूसरा क्या हो गया -√2। या लास्ट में ये भी लिख सकते हैं, अतः समीकरण के मूल -5/√2 एंड √2 है। 4.2 के पहले का चौथा क्वेश्चन है 2x² - x + 1/8 = 0। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्रैक्शन में आता है तो कहते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो डरने की कोई जरूरत नहीं, आपको करना क्या है इसमें, सिंपल सा है। आप कोई भी नंबर है तो उसके डिनोमिनेटर में आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 1 1 एंड 8 का जब आप लॉस लोगे तो कितना, 8 ही तो आएगा। अब क्या करना है,
वन का आठ में डिवाइड करते हैं तो मतलब एक से आठ में भाग देंगे, आठ बार में कटेगा तो आठ गुना क्या हो जाएगा 16 x² प्लस एक से आठ में भाग दोगे आठ मात्र में तो आठ का एक्स में गुणा करोगे माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो साइन रहेगा वही लिखेंगे माइनस 8x हो जाएगा। और 8 × 1 = 8 तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1। यहां भी आप 0 के नीचे क्या लिख सकते हो, 0 के नीचे भी क्या फ्रैक्शन में 1 लिख सकते हो। करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसी का कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 1 में इस सारे टर्म का मल्टीप्लाई होगा वही होगा, यानी ये हो जाएगा 16x² - 8x + 1। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। 8 का 0 में करोगे तो ये हो गया 0। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। कोई भी इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक के नहीं है यानी द्विघात समीकरण के मानक रूप में नहीं है तो पहला काम होता है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मानक रूप में बनाएंगे तब जाके सॉल्व करेंगे। तो अब क्या करोगे, 16 का 1 में मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा 16। फिर 16 को दो ऐसे भाग में यानी 16 को दो ऐसे भाग में तोड़ना है कि गुणा करें तो 16 और चूंकि ये प्लस है तो ऐड करने पे 8 आ जाए। तो आप जानते हैं इसका फैक्टर होता है 4 का, हम 4 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। मान लीजिए डायरेक्ट आप सेट ना कर पाए तो इसका रूल क्या होता है, सेट करने का फैक्टर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 8 16 2 2 16 2 4 8 और 2 2 4 2 1 2। अब ये जो फैक्टर्स सेट होंगे ये जो आ रहा है इन्हीं टर्म से आता है, अगर बड़ा नंबर आपको मिल जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, आप उसका ऐसे फैक्टर निकाल लेंगे और फैक्टर निकालने के बाद से आप क्या करेंगे सेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका है इसे इरेज कर देते हैं, तो 4 का 4 में मल्टीप्लाई किए क्या हो गया 16 एंड 4 में + 4 किए तो क्या आ जाएगा 8। अगर यही माइनस होता तो ये सबट्रैक्ट करने पे 8 लाना होता, क्योंकि प्लस है तो इसलिए ऐसे लिखेंगे। तो 16x² एंड यहाँ पे 4 + क्या लिखेंगे 4x और +1 = 0। आप 4 4 8 देख सकते हैं 8x फिर आ जा रहा है आपका 16x² - 4 का एक्स में करेंगे तो 4x, माइनस का प्लस में करेंगे तो -4x + 1 = 0। इन दोनों टर्म में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इन दोनों टर्म में एक साथ और इन दोनों टर्म को एक साथ, तो 16 है 4 है तो यानी कि डिजिट में 4 हो गया, x² x है तो यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा x हो जाएगा। तो 4 4 = 16 और 2 में से 1 x निकल जाएगा तो बचेगा x, 4x से 4x में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। इन दोनों में आपको अभी कोई भी डिजिट तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां पे हम क्या कॉमन करते हैं, हमेशा 1 कॉमन करते हैं। तो 1 जब कॉमन करेंगे तो ये तो 4x में 1 से भाग देंगे 4x ही होगा, और चूंकि पहले माइनस है और ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। देखिए ये दोनों क्या टर्म आ गए सेम। अब लास्ट में क्या कॉमन करेंगे 4x - 1, तो 4x - 1 कॉमन करेंगे तो यहां भी क्या बचेगा 4x - 1 = 0। यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि दोनों टर्म सेम आ गया है, इसका मतलब हो गया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो समान मूल प्राप्त होंगे, क्या प्राप्त होंगे दोनों समान मूल। तो आपको किसी एक को 0 को इक्वल करके सॉल्व कर देना है किसी एक टर्म को, तो यहाँ पे सॉल्व कर देना, लिखेंगे यदि आपका क्या है 4x - 1 = 0 तो 4x = - से ट्रांसफर करेंगे 1, दिस इंप्लाई दैट ए इंटू है तो इंटू होता है तो डिवाइड यानी 1/4, यानी इस समीकरण के दो मूल होंगे 1/4 एंड 1/4, इसी कहते हैं इस समीकरण के दो समान मूल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बहुत ही सिंपल है 100x² - 20x + 1 = 0। तो आई होप आपको आज का ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा और क्वेश्चन नंबर 5 आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के